हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित के 10 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। आरआरबी जेई 2019 का एग्जाम स्टार्ट है 22 मई से, तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं, ट्रिक समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को अपने फ्रेंड सर्कल में फेसबुक पे व्हाट्सएप पे भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक दूध विक्रेता शुद्ध दूध 10 रुपये प्रति लीटर पर खरीदता है। बेईमान विक्रेता प्रत्येक 1 लीटर शुद्ध दूध में 250 ml पानी मिलाता है। यदि वह मिश्रण को 12 रुपये प्रति लीटर में बेचता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। देखिए, जो ये विक्रेता है, दूध बेचने वाला जो आदमी है, ये दो तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है इस क्वेश्चन में। कैसे प्रॉफिट कमा रहा है? एक तो ये 10 रुपये की जगह 12 रुपये प्रति लीटर दूध बेच रहा है, एक ये इसमें पानी भी मिला रहा है, ठीक है ना। तो खरीदता जितना है उससे ज़्यादा ये बेच रहा है, 250 ml इसमें पानी भी मिला रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, दोनों प्रॉफिट को, जो दोनों प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करके बताने हैं परसेंटेज में कि कितना प्रॉफिट इसको ओवरऑल हुआ है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत ही आसान से तरीके से बताऊंगा। एक साइड में लिखिए कॉस्ट प्राइस, एक साइड में लिखिए सेलिंग प्राइस, यानी कि एक साइड में लिखना है आपको क्रय प्राइस जितने में उसने खरीदा है, और एक साइड में लिखना है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय प्राइस जितने में उसने इस दूध को बेचा है। जब दूध खरीदता है कितने में खरीदता है, 10 रुपये प्रति लीटर, तो एक साइड में लिखिए 10 रुपये प्रति लीटर, और जब बेचता है तो 12 रुपये प्रति लीटर, तो दूसरी साइड में आपने लिख लिया 12 रुपये प्रति लीटर। जब उसने दूध खरीदा था तो 1 लीटर यानी कि 1000 ml दूध खरीदा था, और जब उसे बेचता है तो उसमें आपका 250 ml पानी भी मिला लेता है। तो जब बेचता है तो कितना दूध हो जाएगा, वो मिश्रण कितना हो जाएगा, 1250 ml हो जाएगा दोस्तों। अब ये बताइए, यहाँ तक आपको समझ में आया, उसने 10 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदा और दूध कितना था 1000 ml, और उसने 12 रुपये प्रति लीटर दूध बेचा, दूध कितना बन गया था उस टाइम पे मिश्रण होके 1250 ml। तो अब यहाँ पे रेशो बना लीजिए, और अगर आप ये रेशो बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन विद इन सेकेंड हो जाएगा। कैसे रेशो बनाना है, जो चीज़ें कट हो सकती है उसको कट कर लेते हैं। देखिए, 0 से मैंने 0 कट कर दी, 25 से कट किया 4 बार, और 25 से कट किया 5 बार, तो यहां पे हो गया। अब देखिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस का रेशो आ जाएगा, 10 की 4 में करिए 40 आ गया कॉस्ट प्राइस का रेशो, 12 की 5 में की तो 12 5 60 यानी कि सेलिंग प्राइस का मेरा जो रेशो आ गया वो 60 आ गया। अब मुझे ये बताइए, एक साइड में आपको कॉस्ट प्राइस दिख रहा है और एक साइड में आपको सेलिंग प्राइस दिख रहा है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कितना हाई है 20 से, तो आपके 20 प्रॉफिट हुआ है। अब इसको परसेंटेज में बदल के बताना है बस। तो आपको पता है, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, चाहे प्रॉफिट निकालो चाहे लॉस निकालो, निकलता किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, तो नीचे आपका कॉस्ट प्राइस जाएगा 40, तो 20/40 आपने लिख लिया और इंटू कर लेंगे 100 से, तो 20 से जाएगा 42 टाइम और 2 से 100 जाएगा 50 टाइम, यानी कि आपका ये हो जाएगा 50% प्रॉफिट। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। यहाँ पे बोला जा रहा है, एक दुकानदार का दावा है कि वह फल जिसकी क्रय मूल्य 40 रुपये किलोग्राम है, उसे वह 35 रुपये किलोग्राम में बेच रहा है, लेकिन वह 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम दे रहा है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, यह आपको बताना है। देखिए, एक दुकानदार है, वो दावा करता है कि वह फल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम खरीद रहा है, खरीदता कितने में 40 रुपये प्रति किलोग्राम, और बेचता है 35 रुपये प्रति किलोग्राम वो बेच देता है, बट वो ये भी बोलता है कि वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही तोलता है। तो अब फिर हम वही काम करेंगे, एक साइड में लिखिए आप कॉस्ट प्राइस और एक साइड में लिखिए सेलिंग प्राइस। खरीदता कितने में है 40 रुपये प्रति किलोग्राम, तो यहाँ पे लिख लीजिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम। बेचता कितने में 35 रुपये प्रति किलोग्राम, तो यहाँ पे आपने 35 रुपये प्रति किलोग्राम लिख लिया। यहाँ पे आप ये बताइए, जब उसे पैसे मिलेंगे, देखिए 1000 ग्राम की जगह वो केवल 800 ग्राम तोलता है, तो पैसे तो वो 1000 ग्राम के ले रहा है, तो जब वो सेल कर रहा है 1000 ग्राम के पैसे जितना, तो आपको 1000 ग्राम सेलिंग प्राइस की साइड लिखना है। भाई जब वो पैसे लेता है, लेता तो 1000 ग्राम के है ना, और बेचता है 800 ग्राम, तो यानी कि उसका जो जो लागत जा रही है, जितना उसका उसके पास से जा रहा है, वो केवल 800 ग्राम के वैल्यू जा रही है, बट लेता है वो पैसे 1000 ग्राम के, तो आपने 1000 ग्राम इस साइड में लिखा और 800 ग्राम इस साइड में। फिर से रेशो बना लीजिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, तो आपके समझ में आ जाएगा
दो जीरो से, दो जीरो में हटा देता हूँ क्योंकि दोनों में कॉमन है। अब आपका 40 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 320 और 35 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 350, इधर से भी जीरो से जीरो हट जाएगा, 32 और 35 का आपका रेशो बन गया। अब 32 से 35 कितना ज़्यादा है, 3, यानी कि 3 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस पे होता है, हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस 32 है, तो 3/32 गुणा 100 कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये 4 से चले जाएगा आपका 8 बार और ये 4 से चले जाएगा 25 बार, 25 या 75/8 तो कितने बार चला जाएगा, 9.375% प्रॉफिट हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे शायद कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा कि बेचा तो उसने 800 ग्राम है, फिर 1000 ग्राम क्यों लिखा है। आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 1 किलोग्राम में बेचता है, लेकिन वह 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम देता है। अब जब वो 1000 ग्राम के स्थान पे 800 ग्राम देता है, यानी कि उसके पास से वैल्यू गई केवल 800 रुपये वाली, 800 ग्राम की, बट उसने पैसे लिए 1000 ग्राम के, तो उसके पास आया कितना, 1000 ग्राम का। तो आपने 1000 ग्राम इस साइड में लिखा और उसके पास से जो वैल्यू जा रही है 800 ग्राम जा रही है। मान के चलिए कि आप 1 किलो चीनी, यानी कि 1000 ग्राम चीनी बेच रहे हैं, ठीक है, बट 1000 ग्राम चीनी के स्थान पर केवल आप 800 ग्राम ही तोलते हैं, तो आपके पास से तो 800 ग्राम जा रही है, बट आप जो उससे पैसे लेते हैं वो लेते हैं 1000 ग्राम के, इसलिए 1000 ग्राम आपने लिखा सेलिंग प्राइस के साइड और 800 ग्राम लिखा आपने कॉस्ट प्राइस के साइड। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्तों, या फिर फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी जाके आप मेरे से बात कर सकते हैं और वहाँ पे इस क्वेश्चन को मेरे को सेंड कर सकते हैं, या फिर कोई अदर क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं जो आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, जो आपका डाउट है। और मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ अनअकैडमी प्लस पे, तो मैं आपको इसके बारे में 2 मिनट लेना चाहूँगा और बताना चाहूँगा इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें, तो आप सुनिएगा। देखिए, एक लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, सबसे पहला ही लिंक होगा, उस पर जाके देखिए, NTPC JEE और ग्रुप डी के लिए कोर्स है। 1 मंथ में पूरा कोर्स कंप्लीट कराने का मैंने पूरा टारगेट बनाया है, और अगर आपको आगे भी पढ़ना है मेरे से लगातार, तो आप 3 मंथ का, 6 मंथ का और 12 मंथ का भी ले सकते हैं। बट अगर आप फर्स्ट टाइम हैं और आप बस ट्राई करके देखना चाहते हैं, तो आप 800 रुपये का ये पहले वाला सेलेक्ट करिएगा, नीचे जो आपको लिंक है उस पर क्लिक करके जाएंगे तो गेट सब्सक्रिप्शन आपके सामने आएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपके पास ये ऑप्शन आएंगे, इसमें से आप 800 रुपये वाला सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास ये पेज आएगा खुल के, ये वाला। अब इसमें आप एंटर रेफरल कोड आप भरेंगे, ये टॉपिक स्टडी, ठीक है, इसको भरने के बाद में अप्लाई करिएगा, तो जहाँ पे आपको ये 800 रुपये था वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 720, जहाँ पे 800 लिखा आ रहा है, जब आप इस एंटर करेंगे यहाँ पे एंटर रेफरल कोड में अप्लाई करेंगे तो केवल आपका 720 रुपये आ जाएगा, और यहाँ पे 800 की जगह जब 720 रुपये आएगा तो प्रोसीड पेमेंट करके आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद आप मेरी लाइव क्लास और बहुत सारे नोट्स सारे के सारे जो फ्री में रहेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मेरी क्लास तो अटेंड कर ही सकते हैं, मेरे से अलग 30+ एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे, उन सभी की क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कोई भी डाउट होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है 9536883574, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं एक्स्ट्रा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, 94% का उत्तर देता है, 94% का उत्तर देता है और 141 यानी कि 141 अंक प्राप्त करता है, यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, तो ए द्वारा दिए गए गलत उत्तर प्रश्नों की संख्या क्या है, ये आपको बताना है। चलिए मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। भाई ए जो है वो 94% का उत्तर देता है, और 94% का उत्तर देने के बाद उसको 141 अंक प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें बताया जा रहा है अगर वो सही उत्तर देता है तो उसको 4 अंक मिलते हैं, ठीक है। अगर वो सही उत्तर देता है तो एक पर्सन के उसे 4 अंक मिलते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के उसका 1 अंक काट लिया जाता है, तो ए द्वारा दिए गए गलत उत्तर का आपको बताना है कि उसने कितने गलत उत्तर दिए थे। तो अब आप मुझे ये बताइए, 94% उसने अटेम्प्ट किए यानी कि उत्तर दिया, उसमें से करेक्ट अगर मैं एक्स मान लेता हूँ, यानी कि उसने जो सही आंसर दिए, करेक्ट आंसर दिए, उसने एक्स दिए हैं, एक्स नंबर ऑफ आंसर उसने सही दिए हैं, तो गलत कितने दिए होंगे, 94 से एक्स माइनस कर देंगे तो इतने उसने गलत दिए हैं, समझ गए आप भाई। इतने अगर उसने सही दिए हैं तो अगर मैं 94 में से एक्स को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जितने उसने गलत दिए हैं वो आंसर, वो क्वेश्चंस बच जाएंगे। तो यहाँ पे एक सही पे आपको मिलते हैं 4 अंक, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर के उसके जो नंबर हो जाएंगे वो 4x हो जाएंगे,
और गलत यानी कि गलत आंसर देने पर एक नंबर कट जाता है, तो गलत के उसके कितने हो जाएंगे 94, माइनस के 94, क्योंकि माइनस करेंगे हम एक अंक अगर कुछ भी गलत होता है। तो ये आपके गलत क्वेश्चंस हैं, तो गलत क्वेश्चंस की मल्टीप्लाई जब वन में करेंगे तो माइनस के 94 प्लस आपका हो जाएगा एक्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस का एक्स लिखा है। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, और हमें पता है कि उसको जो अंक प्राप्त हुए हैं वो 141 हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जितने उसने अटैम्प्ट किए हैं करेक्ट उसमें से माइनस कर दूं ये गलत वाले, तो मेरे अंक प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई सही के अगर मुझे अंक मिलते हैं तो गलत के कटते भी तो है ना। तो अगर उसने 4x सही किए हैं तो माइनस के 94 प्लस एक्स ये उसने गलत किए होंगे, तो यहाँ पे उसका 141 इसलिए जो है आंसर बन रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस 94 को इधर ले जाएंगे और एक्स और 4x की तरह हो जाएगा 5x बराबर 235। 5x बराबर 235 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 5 से कट करेंगे 235 को तो 47। x की वैल्यू दोस्तों 47 आ गई। अब पूछा क्या गया क्वेश्चन में, गलत उसने कितने उत्तर दिए हैं, गलत कितने उत्तर दिए हैं। अगर उसने सही यानी कि x की वैल्यू मैंने क्या आ गई 47 जो कि करेक्ट थे, तो अगर उसने सही 47 किया तो 94 में से 47 को माइनस करेंगे दोस्तों तो बचेगा 47, यानी कि उसने 47 ही सही किए हैं और 47 ही गलत किए हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, एक थैले में सोने के सिक्के चांदी के सिक्कों से 3 गुना अधिक हैं, जो पीतल के सिक्कों की संख्या के आधे हैं। सोने और पीतल के सिक्कों की कुल संख्या 80 है, तो सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करिए। देखिए मैं मान लेता हूं, सबसे पहले तो इनका रेशो बना लेते हैं कि गोल्ड यानी कि आपका ये हो गया गोल्ड हो गया सोना, ठीक है, पीतल यानी कि सिल्वर, और जो आपका ब्रोंज हो गया ये हो गया तांबा, सॉरी पीतल, ठीक है, ब्रोंज आपका पीतल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने गोल्ड सिल्वर और ब्रोंज लिख लिया जी एस और बी। अब इसका रेशो कैसे बनाएंगे, मैं आपको पहले भी बताया था जिसको फाइनल में कंपेयर ना किया गया हो सबसे पहले उसको मानेंगे। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, सोने को चांदी से कंपेयर किया गया, चांदी के सिक्कों से, और यहाँ पे बोला गया 3 गुना अधिक है, ठीक है, गोल्ड जो है वो चांदी से चांदी के सिक्कों से 3 गुना अधिक है, जो पीतल के सिक्कों के संख्या के आधे हैं। तो सिल्वर के जो सिक्के हैं वो ब्रोंज के यानी कि पीतल के आधे हैं। अगर मैं पीतल के सिक्कों को 10 मान लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर क्योंकि पीतल के सिक्कों को किसी से कंपेयर नहीं किया गया, तो पीतल के सिक्कों को मैंने 10 मान लिया, तो जो सिल्वर है जो चांदी के सिक्के हैं वो इसके आधे हैं, तो सिल्वर के सिक्के आपके 5 हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे बोला जा रहा है सोने के सिक्के चांदी के सिक्कों के 3 गुना हैं, तो गोल्ड के सिक्के आपके दोस्तों कितने हो जाएंगे, ये आपके 15 हो जाएंगे, क्योंकि 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपका रेशो बना है ये आपकी समझ में आ गया क्या, क्यों एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए एक थैले में सोने के सिक्के चांदी के सिक्के और आपके पीतल के सिक्के हैं। अगर पीतल के सिक्के लास्ट में बोले गए हैं, लास्ट में कौन है, पीतल के सिक्कों के बाद में कोई नहीं बोला जा रहा, पीतल के सिक्कों की संख्या आधी है, यानी कि जो चांदी के सिक्के हैं ना वो पीतल के सिक्कों के आधे हैं। तो पीतल के सिक्के अगर 10 हैं तो चांदी के सिक्के कितने हो जाएंगे 5, और जो सोने के सिक्के हैं वो चांदी के सिक्कों के 3 गुना हैं, तो गोल्ड यानी कि सोने के सिक्के आपके हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, ठीक है। अब इनका रेशो हम बना लेते हैं 5 से कट करके, 5 * 15, 5 * 5 और 5 * 2 = 10, 3:1:2 का आपका रेशो आ गया। यहाँ पे बोला जा रहा है सोने और पीतल के सिक्कों की संख्या 80 है, सोने और पीतल के सिक्कों की संख्या 80 है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे 3+2 यानी कि 5 रेशो के बराबर आपका 80 है। 5 रेशो के बराबर अगर आपका 80 है तो 1 रेशो के बराबर 16 हो जाएगा, 5 से 80 जाएगा 16 बार, तो 1 रेशो की वैल्यू आपको पता चल गई। पूछा क्या जा रहा है, सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करिए यानी कि टोटल सिक्के है कितने, तो टोटल सिक्के किसके इक्वल होंगे, इस रेशो के इक्वल होंगे, तो कितना हो जाएगा 3, 2, 5 और 1, 6, यानी कि टोटल सिक्के आप 6 रेशो के बराबर होंगे। अगर 1 रेशो की वैल्यू आपकी 16 है तो 6 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई 16 से कर देंगे तो 96 हो जाएंगे, यानी कि टोटल सिक्के दोस्तों 96 हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी ये सिक्कों का रेशो बनाने के लिए। अगर आप इसको सीख गए तो आप इजीली बना लेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है अमित और विशाल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:7 है। अमित और विशाल की जो वर्तमान आयु का रेशो है 3:7 ही आपने लिख लिया, तथा विशाल और अरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। विशाल और ए आर मैंने लिखा, अरुण की आयु का जो वर्तमान आयु का रेशो है वो 2:5 है। देखिए विशाल की आयु इसमें भी थी इसमें भी है, दो जगह आ गई, तो सबसे पहले तो इनका रेशो बना लेते हैं।
ठीक है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ा। तो इनका रेशो बनाएंगे अमित, विशाल और आपका अरुण का रेशो। देखिए मैंने आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में बताया था, जब भी आपका कोई भी एक जो है वो दो बार रिपीट हो जाता है, अमित और विशाल हुआ है, विशाल और अरुण हुआ है, तो उसको आपको कैसे करना होता है, उल्टा एन करके मल्टीप्लाई करनी है। यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसका रेशो आ जाएगा निकल के, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो आपका विशाल का आ जाएगा रेशो, और जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो अरुण का रेशो आ जाएगा ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 या आपका 6 अमित का रेशो आ गया, 7 × 2 = 14 ये आपका विशाल का रेशो आ गया, और 7 × 5 = 35 ये आपका अरुण का रेशो आ गया। यहाँ तक आप समझ गए भाई, अगर आपको कभी भी कोई भी रिपीट करके दे दिया जाता है, अमित दे दिया जाता है, विशाल दे दिया जाता है, ध्यान रखिएगा जो भी रिपीट होगा वो इस तरीके से डायगनली आ जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ऐसे नहीं दे रखा है तो आपको ऐसे करके लिख लेना है रेशो को, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उल्टा एन की ठीक है। यानी कि सबसे पहले इन दोनों की, फिर इन दोनों की, और फिर इन दोनों की। जो सबसे पहले आपका होगा उसका सबसे पहली मल्टीप्लाई रेशो, जो दूसरे नंबर पे होगा उसकी दूसरे मल्टीप्लाई वाली रेशो, और जो तीसरे नंबर पे होगा उसकी लास्ट वाली जो मल्टीप्लाई होगी वो उसका रेशो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया, 6, 14 और 35 आपका रेशो आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है, 5 वर्ष बाद अरुण की मृत्यु हो जाती है। अरुण कौन है, लास्ट वाला है भाई, अरुण की मृत्यु हो जाती है 5 साल बाद ठीक है। चलिए उसके बाद बोला जा रहा है अरुण की मृत्यु हो जाती है और उस समय अमित की आयु विशाल की आयु की आधी होती है। जो अमित है इसकी आयु विशाल की आयु का आधी होती है जब अरुण की मृत्यु होती है। दोबारा से बता देता हूँ, मृत्यु हो जाती है अरुण की 5 साल बाद, और जब इसकी मृत्यु होती है तो अमित की आयु विशाल की आयु की आधी होती है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, इनकी आयु हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, तो हम क्या लिख सकते हैं, 6x अमित की आयु, 14x आपकी विशाल की आयु, और अरुण की आयु हो जाएगी 35x ठीक है। अब 5 साल की बात की जा रही है तो वर्तमान में आयु इनकी 6x 14x और 35x है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 6x + 5 14x + 5 और 35x + 5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद बोला जा रहा है अमित की आयु विशाल की आयु का आधी है, तो अमित की आयु कितनी है, 6x + 5, तो 6x + 5 आपने लिखा और ये बराबर हो जाएगा 14x + 5 मतलब हाफ कर लेंगे ठीक है। तो इसकी विशाल की आयु का हाफ हो जाएगी, तो आप इसको कैसे करेंगे, 6x + 5 बराबर किसके हो जाएगा, 4x + 5 का हाफ कर लेंगे, 1/2 कर लेंगे। तो अब यहाँ पे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 12x + 10 ठीक है, 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और इधर 14x + 5। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे x की वैल्यू ठीक है, 12x लिखा है, 14x लिखा है, तो दोनों को एक साइड में लेकर आ देंगे, 2x बच जाएगा, 10x में से 5 जाएगा तो 5 बच जाएगा, 2x बराबर 5, तो x की वैल्यू आ गई 2.5। अब 2.5 आपकी x की वैल्यू आ गई दोस्तों। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अमित और विशाल की औसत आयु ज्ञात करिए। तो अमित और आरंभ में यानी कि शुरुआत में अमित और विशाल की औसत आयु कितनी थी, तो अमित और विशाल की जो आपका रेशो है वो कितना दिया है, अमित और विशाल का 6 और 14 है, यानी कि 6x और 14x था मतलब शुरुआत में। तो आप इसमें 2.5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 की प्लस 14 में मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 की, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में आप इसे 2 से डिवाइड कर देंगे ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे 15 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 में तो 35, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 15 + 35 आपका हो जाएगा 50/2, यानी कि 25 इनकी औसत एज आ जाएगी अमित और विशाल की, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। दोस्तों थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा बट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आगे भी आ सकता है, तो इसमें भी आप अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दे दिया है वहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक पाइप एक गड्ढे को 2 घंटे में पानी से भर सकता है, एक रिसाव के कारण यह गड्ढे को भरने के लिए 2/3 घंटे का समय लेता है, रिसाव से गड्ढे का सारा पानी कितने समय में निकल सकता है ये आपको बताना है। देखिए एक पाइप एक गड्ढे को 2 घंटे में भर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ गड्ढे का नाम ए है और वो उसको 2 घंटे में भर लेता है ए पाइप ठीक है, सॉरी गड्ढे का नाम कुछ भी हो सकता है बट ए पाइप इसको 2 घंटे में भर लेता है। फिर बोला जा रहा है एक रिसाव के कारण, यानी कि मान लीजिए ये गड्ढा है और इसमें एक रिसाव हो रहा है, नीचे को छेद हो रहा है, और ये अगर छेद ना हो तो इसको 2 घंटे में भर लेता है ए पाइप, ये जो ए पाइप है इसको 2 घंटे में भर लेता है, बट रिसाव के कारण इसको भरने में 2/3 घंटे लगते हैं। तो 2/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 2 = 6 और 1 = 7 = 8, यानी कि कितना हो जाएगा 8/3 लिख सकता हूँ। अब मैं इस रिसाव को नाम दे दिया बी का,
पाइप भरने वाले को मैंने दे दिया था नाम ए का, रिसाव को दे दिया बी का, यानी कि जब ए और जो माइनस का ये बी है जो खाली करने वाला है, जब इसके साथ में मिलके भरता है तो इतना समय लगता है, 8/3 घंटे लगते हैं इस गड्ढे को भरने में। तो यहाँ पे आप इनका एलसीएम निकालेंगे, तो दोस्तों एलसीएम निकालेंगे, अब इसको भूल जाते हैं, 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 ही होगा। तो यहाँ पे ए पाइप 1 घंटे में कितना पानी भरता होगा, 8 को 2 से भाग कर लें, क्योंकि ये टोटल कैपेसिटी आ गई उस गड्ढे की, यानी कि उसमें 8 यूनिट पानी भरा जा सकता है। 8 को 2 से भाग करेंगे तो एक गड्ढा जो है आपका 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरेगा। और जब बी पाइप भी आ जाता है, बी रिसाव वाला पाइप भी उस गड्ढे में लग जाता है जो खाली करने वाला पाइप है, तो उस टाइम पे 8 × 8 यानी कि इसको डिवाइड करेंगे 8 से और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 यूनिट पानी ही भर पाता है उस गड्ढे में। और ये कम क्यों हो जाता है, क्योंकि उस गड्ढे में रिसाव भी हो जाता है ना, तो 1 घंटे में केवल 3 यूनिट पानी ही भर पाएगा। बट जब ये बी पाइप नहीं था तो 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरा जा सकता था। इसका मतलब जो 1 यूनिट पानी कम हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, ये बी जो रिसाव वाला पाइप है उसकी वजह से, यानी कि बी पाइप जो है वो जो रिसाव वाला पाइप है वो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली करता है। तो 8 यूनिट पानी को खाली करने में कितना समय लेगा, 8 घंटे लेगा, 8 को 1 से भाग कर देंगे, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये आपसे पूछा गया था कि रिसाव से गड्ढे का सारा पानी कितने समय में निकल सकता है, तो जो रिसाव वाला पाइप है वो आपका 1 घंटे में 1 यूनिट पानी निकालता है। ये आपने कैसे निकाला कि भरने वाला पाइप था जो अकेला वो 4 यूनिट पानी भरता था 1 घंटे में, और जब बी पाइप भी आ जाता है जो रिसाव वाला पाइप है उसकी वजह से 3 यूनिट पानी भर पाता है, यानी कि 1 यूनिट पानी जो कम भरना स्टार्ट हुआ किसकी वजह से हुआ, बी पाइप की। दोस्तों अगर आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बता देना, अगर नहीं आया तो वो भी आप बता देना कमेंट बॉक्स में। दोस्तों एक क्वेश्चन है आपका, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का तिगुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, यह आपको बताना है। ध्यान से सुनिए, 10 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान से 10 वर्ष पहले फादर और सन की एज का आयु का जो रेशो था वो कितनी थी, तिगुनी थी, यानी कि इसका मतलब सन की अगर एज 1 होगी तो फादर की एज 3 होगी, 3 गुना का मतलब ये होता है। फिर बोला जा रहा है 10 वर्ष बाद, देखिए ये तो 10 वर्ष पूर्व की बात है, फिर 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दोगुनी होगी, यानी कि जब 10 वर्ष बाद की बात की जा रही है, वर्तमान से 10 वर्ष आगे का रेशो क्या हो गया, दोगुनी हो गया, यानी कि सन की आयु अगर 1 होगी तो फादर की आयु 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे आप देखिए, अब इसको अगर मैं यहाँ पे इनकी बात करूँ 10 वर्ष पहले की, तो 3x और x हो जाएगी इनकी आयु, 3x और x, क्योंकि ये तो इनका रेशो है, बट अगर इनकी आयु की मैं बात करूँ तो x और 3x हो जाएगी। मैं इसकी आयु मान लेता हूँ x, तो ये कितनी हो जाएगी, 3x, क्योंकि 3 गुना है। ठीक है, अब ये मैं 20-20 प्लस क्यों कर दिया भाई इसमें, क्योंकि मेरे को चाहिए वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु को लाने के लिए इस रेशो को इक्वल करना पड़ेगा इस रेशो के, और इस रेशो के इक्वल करने के लिए मेरे को इसमें 20-20 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 10 वर्ष तो इधर से आएगा और 10 वर्ष इधर से आएगा। क्योंकि अगर वर्तमान की बात की जाए, यहाँ पे मान लीजिए वर्तमान एज है फादर और सन की, ये 10 वर्ष पहले का मुझे रेशो पता है और 10 वर्ष बाद का रेशो पता है, तो मैं 10 वर्ष पहले के रेशो को वर्तमान में लेके आऊँगा और 10 वर्ष बाद के रेशो को भी वर्तमान में लेके आऊँगा, तो दोनों साइड से 10-10 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि इस वाले एज में अगर मैं 20 प्लस कर दूँ तो इस वाले रेशो के इक्वल आ जाएगा ये वाला आपका रेशो। ठीक है, तो 3x प्लस 20 और x प्लस 20 बराबर हो जाएगा 2 और 1 के। यहाँ से अब आपकी इक्वेशन बन जाती है, अब इसको सोल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 3x प्लस 20 और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2x प्लस 40 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आप करेंगे x, क्योंकि 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा और 40 में से 20 जाएगा तो 20 बचेगा, तो x की वैल्यू आपकी 20 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू आपकी 20 है, तो फादर और सन की आप एज निकाल सकते हैं कैसे करके, भाई फादर की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इस 3x में तो ये आपकी फादर की एज आएगी 60, और अगर x की मल्टीप्लाई 20 में होगी तो आपकी 20 रहेगी, यानी कि 10 वर्ष पहले वर्तमान से 10 वर्ष पहले आपकी फादर और सन की एज मुझे मिल चुकी है, वो कितनी है, 60 और 20 है 10 वर्ष पहले। अब पूछा जा रहा है वर्तमान में इनका रेशो कितना होगा, तो इसमें 10-10 प्लस कर दूंगा तो 10 प्लस होगा 70 और 10 इधर भी प्लस होगा तो 30, 0 से 0 कट जाएगा तो 7 और 3 आपकी आ गई वर्तमान में आयु किसकी, फादर और सन की। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, फादर और सन की वर्तमान आयु कितनी है, 7:3। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा भी है, इसको कैसे करना है देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है 2 बर्तनों में नमक व पानी का अनुपात 2:3 है तथा 1:3 है, 2
2:3 और 1:3 है, यदि दोनों को मिलाकर किसी तीसरे बर्तन में डालें तो नमक व पानी का क्या अनुपात होगा, यह आपको बताना है। आपके पास दो बर्तन हैं, दोनों में नमक और पानी का अनुपात दे रखा है, नमक और पानी, दूसरा बर्तन है नमक और पानी, इसमें अनुपात है 2:3 का, उसमें 1:3 का। अगर इसमें नमक और पानी का अनुपात 2:3 है तो नमक और पानी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 2/5 इसमें भाग है आपका नमक का, और पानी का कितना हो जाएगा 3/5, क्योंकि प्लस करके नीचे लिख लेते हैं 3 और 2 5, तो 2/5 और 3/5। ऐसे ही दूसरे बर्तन में नमक और पानी का जो आपका रेशो है वो कितना हो जाएगा, 1/4 और 3/4, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको सीखना है तीसरे बर्तन में मिलाना। जब आप इन दोनों बर्तन को उठा के इस तीसरे बर्तन में मिलाएंगे तो अब इसमें नमक और पानी का अनुपात क्या होगा, ध्यान दीजिए, नमक यहाँ पे 2/5 है, नमक यहाँ पे 1/4 है, दोनों को प्लस कर लीजिए 2/5 और 1/4, और इधर भी आपको पानी को 3/5 और पानी इधर है 3/4, दोनों को प्लस कर लेना है। तो इस बर्तन में आपका जो रेशो बन के आएगा नमक और पानी का, वो आएगा इन दोनों को प्लस करने के बाद में जो भी आपको मिलता है। इनको प्लस कैसे करना है, 5 और 4 दोनों का एलसीएम आ जाएगा 20, तो 20 आपका आ गया, 8 और 5 यानी कि 13/20 आपका इधर आ गया, और 5 और 4 यहाँ इधर भी एलसीएम 20 आ जाएगा, तो 12 और 15 आ जाएगा आपका, तो 27/20 ये आ गया, यानी कि दोनों के बेस सेम है, तो 20 से 20 कट जाएगा आपका, 13:27 रेशो बन के आ गया, यानी कि नमक और पानी का रेशो आपका 13 और 27 बन जाएगा तीसरे बर्तन में, जब इन दोनों बर्तन को हम तीसरे बर्तन में मिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए उसको के अंक प्रतिशत क्या होंगे, यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन में मैं आपको कई तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने के बताऊंगा कि आपको किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक प्रत्याशी है जिसने परीक्षा दी, उसको 20% अंक मिले और वो 30 अंकों से फेल हो गया। अगर ये इसको 30 अंक दे दिए जाए तो ये पास हो जाएगा, तो मैं इसको पास कर देता हूँ। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन आपको फेल पास वाला दिया जाएगा तो उसमें जो फेल होता है उसको तो पास करना होता है, और जो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लेके आता है उसके मार्क्स उतने कम कर लिए जाते हैं, यानी कि दोनों को पास ही करना होता है। अब यहाँ पे इसको 20% अंक मिले और ये 30 अंकों से फेल हो गया, तो इसको अगर मैं पास करूँ तो क्या इसको 30 अंक दे दूंगा, तो 20% वाले को मैंने 30 अंक दे दिए तो ये पास हो गया। दूसरा अब प्रत्याशी है जिसको 32% अंक मिले और ये आपका कितने 42 अंक अधिक लेके आया, अधिक प्राप्त करता है जब जो पासिंग मार्क्स हैं, तो इसके 32% अंक में से मैंने 42 माइनस कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपको इसको सोल्व कर लेना है, यानी कि परसेंटेज वालों को एक साइड में ले लेंगे तो 32% में से 20% जाएंगे तो 12% बच जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे आपके प्लस, क्योंकि ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो 42 + 30 कितना हो जाएगा आपका 72, तो 12% के इक्वल आपकी 72 वैल्यू आ गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल अंक कितने हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है पासिंग अंक कितने हैं, पासिंग प्रतिशत अंक कितने हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप टोटल मार्क्स निकाल लीजिए कि टोटल अंक कितने हैं। तो टोटल अंक अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन में टोटल अधिकतम मार्क्स कितने हैं, तो आपको क्या करना है, 72 को 12 से भाग कर देना है, क्योंकि 12% की वैल्यू पता है, और अधिकतम मार्क्स कितने होंगे 100% होंगे, तो 100 की गुणा कर देनी है, 12 × 72 और 6 × 100 में कर देंगे तो 600, मैक्सिमम मार्क्स 600 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पासिंग मार्क्स आपसे अगर पूछा जाता है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो 600 का दोस्तों 20% निकालिए, 600 का जब आप 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 120, ठीक है। और जब 120% अंक उसको मिलते हैं, यानी कि 20% जब अंक मिलते हैं तो वो 30 अंकों से फेल हो जाता है, ये वाली कंडीशन लिखी थी ना मैंने, जब इसको 20% अंक मिलते हैं तो ये 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसको 20% अंक मिले 120 और ये 30 अंकों से फेल हो गया, तो इसका मतलब इसको 30 अंक और देने पड़ेंगे, तो इसको पासिंग मार्क्स जो है वो 150 है, तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे 150, ठीक है, ये भी आपको पता चलेगा। तो पास होने के लिए अंक कितने लाने पड़ेंगे 150, प्रतिशत में आपको बताना है, पता चलेगा 150 अंक है तो 600 में से 150 कितना प्रतिशत होंगे ये आप निकाल लीजिए, तो आपका 600 में से 150 आपके कितने प्रतिशत हो जाएंगे, गुणा 100 से कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 6 से कट जाएगा 25 बार, यानी कि 25% अंक चाहिए होते हैं पास होने के लिए। भाई आपने सबसे पहले टोटल मार्क्स निकाले, टोटल में से पास होने के लिए आपको 150 अंक चाहिए, अब पूछा है पासिंग परसेंटेज कितनी है, ठीक है, तो पासिंग परसेंटेज निकाल सकते हैं ना, ये पासिंग मार्क्स हो गए, टोटल मार्क्स में से जब 150 आएंगे तो पास हो जाएंगे, तो ये परसेंटेज में बदलना बस बहुत आसान होता है, 100 की गुणा करनी होती है बस, 25% आपका राइट आंसर आ जाएगा।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये आ जाएगा। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र 5 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंक से अंक के 30% अंक मिलते हैं पासिंग से 20 अंक अधिक पा जाता है, तब पास होने के लिए उसको क्या, उसका प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक, तो आप क्या करेंगे, इसको 20% अंक मिले और ये 5 अंकों से फेल हो गया, फिर दोबारा से इसको पास कर देते हैं, तो 20% अंक मिलने वाले को फेल हो गया था 5 से, तो इसको 5 दे दो तो ये पास हो जाएगा। दूसरे छात्र को 30% अंक मिलते हैं और ये पासिंग से 20 अंक अधिक प्राप्त कर जाता है, अधिक पा जाता है, तो इसके 30% में से 20 अंक काट लेंगे क्योंकि इसको भी पास कर देंगे, तो यहाँ पे अब दोनों ही पासिंग मार्क्स वाले हो गए। अब इसको मैं 20% को 30 में से माइनस करूंगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो ये इधर आके कितना बचेगा 10%, क्योंकि इधर जाने के बाद में माइनस हो जाएगा, और ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10% की वैल्यू आपको 25 मिल गई। पूछा जा रहा है तब पास होने के लिए अधिक अंकों का प्रतिशत बताइए, तो फिर से आपको टोटल मार्क्स निकालने हैं। टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे भाई, 25 आपको मिले हैं, 10% के इक्वल है, तो 100% के इक्वल क्या हो गया, 25 को 10 से भाग करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 250। टोटल मार्क्स तो आपके 250 है, अब 250 का 20% निकालेंगे, 50 आएगा, और ये 5 अंक से फेल हो जाता है, जब इसको 20% मिलते हैं तो इसमें 5 और प्लस कर देंगे तो 55 हो जाएंगे, तो भाई 250 में से 55 अंक लाने वाला पास हो जाएगा, तो प्रतिशत कितनी रहेगी, 55/250, तो 55/250 गुणा 100 से कर देंगे, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका, इसको कट कर देंगे आप, इससे 25 से कट करेंगे तो 25 से ये कट जाएगा आपका 10 बार और ये 4 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार और 2 से कट जाएगा 4 बार, ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22%, तो 22% इज़ द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप या तो मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी आप फॉलो करके मुझे स्क्रीनशॉट लेके उस क्वेश्चन को भेज देना, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा पर्सनली। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में हैं, वस्तु ए की मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों वस्तु का जो रेशो है वो 3:2 हो जाए। आप मुझे ये बताइए कि दोनों का जो आपका मिश्रण है, दो वस्तुएं 120 ग्राम के मिश्रण में हैं, तो 120 ग्राम है, तो यहाँ पे मैं इनका अलग अलग निकाल लेता हूँ, तो इसको 2:3 रेशो में डिवाइड कर लेंगे। 2:3 रेशो में डिवाइड करने का मतलब है कि आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 रेशो की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि दोनों का जो रेशो है वो है 3:5, यानी कि आप 2x और 3x लिख सकते हैं, x की वैल्यू निकालिए या फिर 1 रेशो की वैल्यू निकालिए, बात वही है। तो 5 से भाग करेंगे तो 24 आ गया, अब x की वैल्यू आपको 24 मिल गई, यानी कि 1 रेशो की वैल्यू आपको 24 मिल गई, तो यहाँ से आप 24 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 48, और 24 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो b की वैल्यू आ गई 72। अब यहाँ पे बोला जा रहा है a की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, सिर्फ ए की मात्रा बढ़ाई जाने की बात की जा रही है, तो ए की मात्रा अभी कितनी है, 48 है, तो 48 में जब मैं प्लस एक्स करूँगा तो ए की मात्रा बढ़ जाएगी, तो 48 प्लस एक्स और अपॉन में 72 हम रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसकी ए की मात्रा बढ़ती है तो रेशो आपका 3:2 हो जाता है, तो इसके इक्वल रख लेंगे 3:2, समझ में आ रहा है ना भाई, 48 प्लस एक्स अपॉन में 72 आपने लिया, क्योंकि 72 को तो सेम रखना है, इसकी मात्रा नहीं बढ़ानी है, केवल ए की मात्रा बढ़ानी है, और वो कितनी बढ़ानी है वो हमें नहीं पता, तो अभी हम x बढ़ा लेते हैं, 48 प्लस x की आपने, तो इस रेशो के इक्वल आ गया 3/2 के। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की इधर करेंगे तो 96 प्लस 2x और 3 की इधर करेंगे तो 216 आपका हो जाएगा। यहाँ से अब आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2x की वैल्यू, तो ये 96 इधर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा तो 120, तो x की वैल्यू मिल गई 60। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा जा रहा था कि कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, तो हमने कितनी मात्रा बढ़ाई थी x, और x की वैल्यू मिल गई 60, तो 60 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। तो वही सेम क्वेश्चन, यहाँ पे आपने सबसे पहले 1 रेशो की वैल्यू निकाली, 5 और 3 8, 80 को 8 से भाग किया, ठीक है, तो 1 रेशो की वैल्यू 10 आ गई। अब 1 रेशो की वैल्यू 10 है तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, और 3 रेशो की वैल्यू 30 हो जाएगी। यहाँ पे अब की बार दूसरी वाली धातु की मात्रा बढ़ाई जाने की बात की जा रही है, तो पहले वाली धातु को वैसे रखेंगे 50 और दूसरे वाली में x प्लस कर देंगे 30 प्लस x,
और अब ये किसके इक्वल हो गई, 5 और 4 के, यानी कि इस रेशो के इक्वल हो जाएगी 5:4 के। तो 50/3x + x बराबर हो जाएगी 5x 5/4 के। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×20 यानी कि 200, और ये 5 की इधर करेंगे कितना हो जाएगा 150 और 5x। अब यहाँ पे आप 5x को एक साइड में ले लेंगे और 200 में से 150 को माइनस करेंगे तो 50 बचेगा, तो x की वैल्यू 10 बच गई, यानी कि दूसरे वाली धातु की वैल्यू अगर आप 10 बढ़ा देते हैं 10 ग्राम, तो आपका रेशो 5:3